भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हिंसक झड़प हुई। ये मामला 9 दिसंबर का बताया जा रहा है और जैसे ही ये सामने आया उसके बाद से ही देश विदेश में इसकी खूब चर्चा हो रही है। सड़क से लेकर संसद तक में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इन सब के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर तगड़ा बयान दिया है। दरअसल भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने ये भी दावा ठोक दिया कि मोदी सरकार में कोई भी भारत की एक इंच जमीन को कब्जे में लेने की भी हिमाकत नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा, जिस वक्त गलवान में हमारे जवान चीनी सेना के साथ भिड़ रहे थे तब कांग्रेस के लोग चीनी नेताओं के साथ हाथ मिला रहे थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुस्से से तमतमाते हुए आगे कहा, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद बॉर्डर पर देमचौक में रोड और आधारभूत ढांचे का निर्माण रोक दिया था। कांग्रेस के समय ही हजारों किलोमीटर जमीन हमसे हड़प ली गई। जब तक मोदी सरकार है एक इंच भी भारत की जमीन को कोई कब्जे में लेने की हिमाकत नहीं कर सकता। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोहरा दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है, आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। आपको बताते चले, 9 दिसंबर को LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सेना ने कहा कि 9 दिसंबर को PLA के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुस गए, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए हैं। अमित शाह के कड़क तेवरों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।